वीडियोस आप कोशिश किया करें, वीक में एक वीडियो बना दिया करें। आपकी वीडियोस बहुत मतलब वो एक लेवल है उनका, ठीक है। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी आपकी वो है। आपकी वीडियो में मतलब क्वालिटी है, अगर क्वांटिटी में मतलब नहीं आ रही वीडियोस मतलब ऊपर नीचे नहीं आ रही वो छोड़ो, लेकिन क्वालिटी बहुत होती है। और आप मतलब स्टोरी टेलिंग बाकी मतलब आपकी वीडियोस लेट होती हैं, बस यही बोलूँगा। दिस वीडियो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग एज अ मेमोरी, क्योंकि कश्मीर तो रोज़ रोज़ जाना होता नहीं है। आपने वो वाली कहावत सुनी है कि अगर बंदर को माचिस जलाना आ जाए तो वो पूरे शहर में आग लगा दे, तो बस सेम सिनेरियो यहाँ पर हमारे साथ भी है। हम बंदर हैं, ट्रिप माचिस है और कश्मीर शहर है। नहीं समझे? समझ जाओगे, यही हो ना, तो देख लो फिर। अभी हमारे जाने में बाकी हैं 6 दिन। तुझे पता है मुझे वाइट वाइट सब बर्फ दिख रहा है, ये वाइट वाइट सब बर्फ दिख रहा है मुझे, तुझे छोड़ के ये तो वाइट नहीं है। कपड़े पैक करे या नहीं करे मुझे इतना बता। अभी नहीं करे। तू पागल पागल है क्या? मतलब बिल्कुल ही दिमाग नहीं। 5 दिन बचे हैं भाई, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट, व्हाट यू आर डूइंग यार। अभी जा कपड़े पैक कर, और मैंने ऑलरेडी पैंट वेंट रख ली है, और खाने मूंगफली ले ली 2 किलो। हाँ ले ली। 15 मूवी। हाँ उन्हें पापा को बता दी अपने। मूवी देखने जा रहा है वहाँ पे। अबे तो रास्ते में तो देखेंगे, बोर थोड़ी ना होकर रख लिया। तो ये तो बता तूने ये 2 क्यों पहन रखे? सलमान खान पहन रखे तू यार? आई एम वेरी बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान। कहाँ जा रहा समीर? ओनली 6 और लेट वी आर गोइंग टू कश्मीर टुमारो मॉर्निंग विल बी स्टे। तो चल जा कर अगर मगर कैसा है ये सफर। अब शायद आप समझ गए होंगे कि दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एक्साइटमेंट, क्योंकि जिंदगी की पहली ट्रिप है और वो भी दोस्तों के साथ। कैसा है ये सफर? इस ट्रिप पर हम 5 लोग हैं, समीर जिनको आप बखूबी जानते होंगे, जुबेर ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, तीसरे हैं साकिब भाई, चौथे हैं जुनेद भाई, और 5वां मैं, मुझे तो आप बखूबी जानते हैं चैनल के मेरा है। और जुनेद भाई जो है वो जुबेर के सगे छोटे भाई हैं। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ट्रिप के शायद से मैं 3 पार्ट डालूंगा सीक्वेंस में, Part 1, Part 2, Part 3, और उन तीनों ही पार्ट में आपको साकिब भाई की और जुनेद भाई की मौजूदगी बहुत ही कम मालूमात होगी। देखो जुनेद भाई का रीज़न तो ये है कि दैट ही इज़ वेरी कैमरा शाय पर्सन, और साकिब भाई का रीज़न है मेरी ज़िंदगी की जितनी बेहतर सुबह हैं उन सब बेहतर सुबह से बेहतरीन सुबह रही होगी है, क्योंकि मेरी आँख खुली है सीधा जम्मू में, सोया हूँ दिल्ली में, आँख खुली है जम्मू में। नाउ वी एंटर्ड इन जम्मू एंड वी आर गोइंग टू श्रीनगर। वेलकम टू श्रीनगर। जम्मू तावी अगर मेट्रो स्टेशन पर उतरे आप तो यहाँ पर बहुत सारी टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से टैक्सी नहीं लेनी आपको, यहाँ पे बस स्टैंड पे जाना है, बस स्टैंड से फिर आगे ना, आप अपने बजट के हिसाब से भी चल सकते हैं। आप अपने अगर आपके पास 20,000 रुपये का बजट तो टैक्सी कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं 20,000 का बजट, 5-6,000 रुपये है, लटक के चलो लटक के चलो, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इंसान अपना मकान खाली करके आया, देखो ये मकान खाली करके आया। अभी हम लोग यहाँ से बस पकड़ रहे हैं बस स्टैंड के लिए, उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे श्रीनगर। और अबे शिट गिरिया। अभी हम लोग यहाँ से बस पकड़ रहे हैं बस स्टैंड के लिए, और बस स्टैंड से फिर हम लोग जाएंगे श्रीनगर। और श्रीनगर अभी हम पहुँचेंगे लगभग, अभी सुबह के बज रहे हैं 8-9, रात तक पहुँचेंगे 8-9 बजे तक। और यहाँ पर अभी हमें एक इतने अच्छे ऑफिसर मिले, बहुत अच्छे फ्रेंडली तरीके से उन्होंने बात की, नाम वगैरह पूछ के बहुत अच्छे से ट्रीट किया। ये सिर्फ तारीफ सुनी थी मैंने कि कश्मीर के लोग फ्रेंडली होते हैं, ये मेरे को इधर से उधर घुमाए जा रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल सेट हो गया है भाई। ये बोल रहा कि एक क्लिप और ले, मेरे को भी बोलना कुछ, बोलो बोलो सर। कश्मीर के लोग बहुत फ्रेंक होते, जैसे कि मैं इससे फ्रेंक हूँ। फट रहा है, इसे हाथ से रख ले। अब यहाँ पे म्यूजिक लगा दूंगा।
सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों जो तू पीछे चल, तू गाइड नहीं है, तो हमारा बच्चा तू यहाँ पे ऐसे रख देगा। इस टूर के जो गाइड हैं, हम दोनों कश्मीरी लग रहे हैं और हम दोनों ये ट्रिप मैनेज कर रहे हैं, नेगोशिएट वगैरह मार्केटिंग वगैरह। जो भी कितने मांग रहा था, 700 रुपए, 700 रुपए हमने बोला 400 रुपए। ठीक है, सिम मेरे पास है, कर जा रहा हूं, कर लेना कश्मीरी। हम लोग बस में बैठे हुए थे, बस में एक भाईजान चढ़े कि भाई आ जाओ श्रीनगर, किस पे जाना। हमने बोला हमको जाना, साथ बोल रहे थे, मैंने बताया नहीं भाई, हमने बोला 400 रुपए। अरे मुझे ये बोल रहे थे हम लोग बस में बैठे हुए थे, एक भाईजान चढ़े, बोलते श्रीनगर किसको जाना, मैंने कहा हमको जाना है। कहने लगा ठीक है 750 रुपए लगेंगे। कहने लगा नहीं, हमने कहा नहीं 750 बहुत ज्यादा मांग रहे हो यार आप। उन्होंने कहा कि चलो 730 रुपए दे देना। मैंने बोला 400 रुपए देंगे। अब जो हमने बोला 400, उनके समझ आया 700। कह रहा ठीक है ठीक है, आ जाओ नीचे जब हम उतरे, मैंने कहा चल रहे हो ना? कह रहा हाँ बस। मैंने कहा भाई पैसे तो बताओ। कह रहा 700 बोले ना? मैंने कहा 700 नहीं 400 बोले। कह रहा नहीं, फिर जाओ वापस। मैंने कहा यार पढ़ने लिखने वाले हैं, 400 मैंने बोला था अपना के जोड़ रहा है। हाँ ये इन्हें करा था नेगोशिएट, यही संभाल रहा है मेरा, हम बच्चे संभाल रहा हूं। ऐसा कहानियां, तू रोशनी तू रंग है, तू उड़ रही पतंग है, बना है तू ढलने का सब आसमान है, अब इस जमाने का बैतरा गुजर, ऐसी राह से गुजर, ये 10 किलोमीटर का टनल पार कर आए हम लोग। बहुत ही शानदार टनल बना है। बता भाई रिव्यू दो टनल का। एक नंबर का टनल है, इससे लंबी जिंदगी में टनल नहीं देखी, गड्ढे गड्ढे अंदर। तो बता, मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं, ये टनल पहली बार देखा। तो बता तुम, बहुत अच्छा टनल है, मैं कुछ नहीं कहूंगा गलत। भाई जो बोलो, बढ़िया था टनल, मजा आ गया। पर मैंने देखो भाई, जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र है 8 घंटे का। 8 घंटे मैं और मेरे दोस्त तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको मैं बोर नहीं करना चाहता, तो आप मुझसे बात कर लें। ये चीज़ कंफर्म है कि इस ट्रिप के 3 पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि पार्ट 1 आ जा गया तो कल पार्ट 2 आ जाएगा, नथिंग लाइक दैट। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं डालूंगा और तब मैं एडिट करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्ट 1 का मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। हम दिल्ली से जम्मू पहुँचते हैं, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से होटल, ये हो गया पार्ट 1। और पार्ट 2 में यही हो ना, देख लेना जब आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर। अच्छा हाँ, मैंने वो तो बोला नहीं यार कि आज का सीन कुछ ऐसा है, तो उसे यहाँ पर ऐड कर लें, आज का सीन कुछ ऐसा है। सफर कैसा है ये सफर,